इस मैसी दल, आइए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। कोरोना संक्रमित नहीं कर रहे हैं कोविड 19 के नियमों का पालन। कोविड 19 ने मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में तहलका मचा दिया है, जिससे पूरा देश में हलाकान मचा हुआ है। ऐसे में पूरे हिंदुस्तान की जनता को संयम और समझदारी से काम करना होगा। बालाघाट जिले में भी कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। हालांकि जिस तेजी से कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा मरीज ठीक भी हो रहे हैं। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार बिरसा तहसील की भी स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। बिरसा में एक सप्ताह के अंदर ही कई लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। बिरसा के वार्ड नंबर 21 में 25 लोगों में कोरोना संक्रमण पाया गया है, जिससे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। प्रशासन के द्वारा पूरे वार्ड को सील कर दिया गया है, जिसमें कहीं ना कहीं आम जन भी इसके लिए जिम्मेवार है। वजह है कोरोना संक्रमित व्यक्ति की लापरवाही देखने में आ रही है कि बिरसा व इसके आसपास के ग्रामीण इलाकों में कोरोना संक्रमित व्यक्ति व परिवार का बेफिक्र होना, जिससे संक्रमण रुकने की बजाय बढ़ता जा रहा है। क्योंकि कोरोना महामारी में हर विभाग के कर्मचारियों को भी संक्रमण ने अपने कब्जे में ले रखा है, इसीलिए हमें सरकार व प्रशासन के द्वारा लागू किए गए नियमों के तहत ही रहना चाहिए। बहुत लोगों को देखा गया है कि कोरोना संक्रमण होने के बावजूद भी क्षेत्र में घूमते रहते हैं। बस संक्रमित व्यक्ति का परिवार भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं करता, जो गलत है। प्रशासन से अपील की है कि संक्रमित व्यक्ति को व घर के लोगों को सख्त चेतावनी दी जाए कि परिवार का कोई भी सदस्य बिना अनुमति के बाहर नहीं निकलेगा। प्रशासन को संक्रमित परिवार के लिए उचित व्यवस्था भी करनी चाहिए, जिससे परिवार को बाहर ना निकलना पड़े, जिससे संक्रमण को फैलने से रोका जा सकता है। संक्रमित के द्वारा की गई एक छोटी सी गलती स्वयं व परिवार के साथ साथ समाज को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल रही है। आमजन से अपील की जाती है कि 2 फीट की दूरी और मास्क लगाकर ही बाहर निकलें। वह घर आने पर 2 टाइम भाप जरूर लें। वैक्सीन को लेकर भी तरह तरह की अफवाह फैली है, जो बिल्कुल निराधार है। NBC 24 न्यूज एक्सप्रेस के लिए